नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दलों की बैठक, सचिन पायलट समेत दो मंत्रियों को राजस्थान सरकार ने किया बर्खास्त। बागी तेवर और विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर हुई कार्रवाई। सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से हटाया कांग्रेस पार्टी का नाम, आगे की रणनीति का अभी तक नहीं किया खुलासा। राजस्थान में सियासी हलचल को लेकर सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी का दौर जारी। अविनाश पांडे ने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए लिखा, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को किया काफी परेशान। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सचिन को शुरू से ही पार्टी ने दी कई अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहे हैं विरोध के सुर। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, सचिन पायलट ने पार्टी की मजबूती के लिए शिद्दत से किया काम। कपिल सिब्बल और शशि थरूर भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर उठा चुके हैं आवाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के मौजूदा हालात की खबर से। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक चल रही है। पार्टी और सरकार की आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रामस्वरूप लामरोड से, जो इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद है। रामस्वरूप के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें। मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, मीटिंग के लिए सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो एक और बैठक अब चल रही है, आगे की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। क्या कुछ जानकारी, क्या सभी विधायक जो सुबह मौजूद थे वो सभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर? देखिए, अभी पहले कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी आए हैं। तो जितने भी मंत्री और विधायक जो होटल में ठहरे हुए थे पिछले कल से, उनमें से एक बस में सभी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो बैठकर आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बस में बैठकर आए हैं और सबसे आगे की सीट पर बैठे हैं। और मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करने के दौरान अभी मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने जो है विक्ट्री का चिन्ह दिखाते हुए जो है अभी सीएम हाउस में प्रवेश किया है। और तमाम जो मंत्री हैं वो उस बस में सवार होकर आए हैं। एक मंत्री है ममता भूपेश, वो अपनी गाड़ी से, जो उनकी सरकारी गाड़ी है वहाँ से, वो उसके जरिए वो यहाँ पर पहुँची है। तो अभी आप नज़ारा जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री निवास का है, और यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ही मिनट बाद, क्योंकि अभी अभी पहुँचे हैं, ऐसे में कुछ ही मिनट बाद जो है कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से समय से पहले से प्रस्तावित किया गया है कि 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद में 8 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होनी है, तो ऐसे में बाकी जितने भी विधायक हैं और बाकी जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री भी यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। 8 बजे उनके साथ भी मीटिंग होनी है, मंत्रिमंडल की मंत्री जितने भी आएंगे उनमें। और अभी कह सकते हैं कि जो कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही मिनट में, तो उसमें उसके लिए जो प्रदेश के नए जो मुख्य सचिव बने हैं हाल ही में राजीव स्वरूप, वो भी कुछ मिनट पहले, यानी कि अभी अभी जो गाड़ी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनसे कुछ मिनट पहले ही राजीव स्वरूप ने भी मुख्यमंत्री निवास में भी प्रवेश किया है। और अब यहाँ पर मीटिंग, यहाँ पर पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद जो तमाम मंत्री है क्योंकि बैठक होगी, तो कैबिनेट की बैठक के लिए सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, साथ ही जो सीएम है अशोक गहलोत, वो भी पहुंच चुके, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि बस में बैठकर आए हैं, सभी साथ में आए हैं। रामस्वरूप, तो बैठक जो है वो होनी है रणनीति के ऊपर कि आगे की रणनीति क्या होगी। सुबह तो फैसला हो गया, हाईकमान ने जो है बर्खास्त कर दिया सचिन पायलट को, तमाम जो दो मंत्री थे उनके साथ में उनको। आगे की रणनीति क्या आपको होती अब यहां नजर आ रही है राजस्थान में? देखिए, जिस तरह से थोड़ी देर पहले ही ये निर्णय लिया गया था आलाकमान के द्वारा कि सचिन पायलट को जो है मंत्री पद से हटाया गया है और पीसीसी चीफ के पद से भी हटाया गया है, और बाकी जो दो मंत्री हैं रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, उनको भी हटाया गया है। तो जाहिर तौर पर अभी यह कह सकते हैं कि नए मंत्रियों को भी यहाँ पर जो इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो पूरी तरह से मंत्रिमंडल का जो है एक तरह से या तो कुछ मंत्रियों को नया जोड़ा जा सकता है, क्या या हो सकता कि पूरा जो मंत्रिमंडल का भी जो है नए सिरे से बनाया जा सकता। तो इसी बात को लेकर के यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो दो मंत्री पद खाली हुए हैं, तीन मंत्री पद खाली हुए हैं, उन पर मंत्रियों की नियुक्ति होनी है। बाकी कुछ विभाग हैं जो अलग अलग मंत्रियों को अलग से चार्ज के हिसाब से दिए हुए हैं, तो उस लिहाज से करीब 6-7 नए मंत्री जो है वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं। जो
शाम के समय यानी कि जो दिन में जो फैसला हुआ था दोपहर के समय कि सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को जो हटाया गया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से ठीक पास में ही राजभवन है, वहाँ पर वो राज्यपाल से मिलके भी आए थे। तो वहाँ पर उसमें कह सकते हैं कि वहाँ पर भी इस संदर्भ में भी वहाँ पर पूरी बात हुई है। और अब जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है उसमें भी हालांकि क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक है और उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के चीफ हैं राजीव स्वरूप वो भी आए हैं, हो सकता है कि कुछ जो सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे उस पर भी यहाँ पर बातचीत होगी। रोकूंगी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी से सुमन शर्मा जी जुड़ गई हैं। सुमन जी, तो यहाँ पर जो घटनाक्रम हमने देखा राजस्थान में, लगातार जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लगते आ रहे हैं कि पिछले 6 महीने से बीजेपी कोशिश कर रही थी, सचिन पायलट के साथ मिलकर कोशिश कर रही थी और उसी वजह से सचिन पायलट को आज जो है बर्खास्त करना पड़ा। तो बीजेपी का जो दामन है वो लगातार दागदार राजस्थान में हो रहा है। देखिए, अजीब सी स्थिति आकांक्षा जी, यदि मैं कहूँ कि गहलोत साहब या पूरी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्यों में जहाँ भी है, वो लोग अपने दामन को दागदार उनके हो रहे हैं, लेकिन वो छींटे जिनके भी बीमार रहे हैं, तो उनको अपने विधायकों पे ट्रस्ट नहीं है, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। आज आप देखिए कि सचिन पायलट के आउट होने के बाद पूरी यंग कांग्रेस जो है, पूरी यंग जनरेशन, चाहे मिलिंद देवरा हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे प्रिया दत्त, सबने क्या लिखा है भाई, उसमें बीजेपी का कहीं नाम आया क्या? ये अशोक गहलोत अपने पाप को छुपाने के लिए अगर बीजेपी को पापी बनाएंगे तो सारे लोग देख रहे हैं। तो आपका कहना है कि बीजेपी ऐसी कोई कोशिश में नहीं लगी थी? सुमन जी, हमारे साथ सुरेश चौधरी जो कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, तो यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि उसका कोई षड्यंत्र नहीं है, कांग्रेस में अंदरूनी फूट है जो बाहर निकल कर आ रही है। जी सुरेश जी से हमारी एक और बार संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। हम सुमन जी का रुख करेंगे। सुमन जी, लेकिन यहाँ पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो पूरी पटकथा हमने देखी है लगातार, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था सिंधिया और अपने अपने समर्थकों को लेकर निकल गए थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर राजस्थान में भी देखने को मिला कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ अलग निकल गए। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ जो नंबर गेम था वहां पर शायद सचिन पायलट मात खा गए, तो जो उंगलियां हैं वो बीजेपी के ऊपर उठना वाजिब है। सुरेश चौधरी जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। सुरेश जी, तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि बीजेपी के ऊपर भले ही सीएम गहलोत और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी पिछले 6 महीने से साजिश रच रही थी और उस साजिश में सचिन पायलट भी शामिल थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है जिसे वो संभाल नहीं पा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन जी अध्यक्ष थे, सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनका सम्मान था, लेकिन भाजपा जो पूरे देश में, केवल इन राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश की घटना को कैसे भूल जाएंगे, कर्नाटक की घटना को कैसे भूल जाएंगे, गोवा की घटना को कैसे भूल जाएंगे, अभी राज्यसभा के चुनाव में 60 विधायक हमारे खरीद लिए गए गुजरात में, वो बात कैसे भूल जाएंगे। इसलिए बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के अंदर कोई हमारा नेता भी उसका शिकार होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सुरेश चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके साथ आपके पास लौटूंगी। मैं आपको यहां बता दें कि सचिन पायलट ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। तो ये लेटेस्ट ट्वीट सचिन पायलट की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, यानी कि वो सभी विधायक जो उनके साथ, उनके खेमे के, उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनका उनके लिए आगे आए हैं, उन सभी का धन्यवाद यहां पर सचिन पायलट ने दिया है। तो ये सचिन पायलट का दूसरा ट्वीट उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जो दूसरा ट्वीट यहां पर आया है वो ये है।
और उन पर लिखा है कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कांग्रेस से। सुरेश जी, तो यहां पर सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन सभी का धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट किया है, तो एक और चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस में जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो भी अब एक एक करके आगे आने लगे, तो इन सबको समेटना कांग्रेस के लिए कितना यहाँ पर मुश्किल आपको लग रहा है, क्योंकि एक एक करके विरोध के सुर अब तेज होते जा रहे हैं राजस्थान में। मैं कह रहा हूँ कि पायलट साहब ने जो धन्यवाद दिया है, मैं भी उन्हीं की कार्यकारिणी में प्रवक्ता हूँ, पार्टी में वो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, आज भी हमारी पार्टी के वो विधायक हैं, तो वो हमारे युवा नेता हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी के बीजेपी जो भारत में कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रही है, कोई भी पार्टी जो बीजेपी के विरोध में जो भी पार्टियां पूरे देश में काम कर रही हैं, उन सब पार्टियों को तोड़ के और प्रजातंत्र में केवल एक तंत्र हिटलर शाही जो स्थापित करना चाहती है भाजपा, वो प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी सुरेश जी, हमारे साथ बीजेपी से सुमन जी भी जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, तो कांग्रेस यहाँ पर सीधा आरोप लगा रही है कि कोई भी विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी होती है उसको बीजेपी तोड़ती है और लगातार ऐसी कोशिश करती है, और इसके एग्जाम्पल्स हम पिछले दिनों देख चुके हैं। 4 महीने पुराना एग्जाम्पल मध्य प्रदेश सामने है। देखिए आकांक्षा, मैं इन लोगों के बयान पे मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुद के घर को मजबूत रखिए, खिड़की दरवाजों को चेक दे रही है। अगर आपके बिकाऊ विधायक लोग हैं तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति की 125 साल पुरानी कांग्रेस के मैंने ऐसा अनुशासन और सिद्धांत जो, तो आपको यहाँ पर बता दें कि लगातार बीजेपी जहाँ एक तरफ इनकार कर रही है इस आरोप से, वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि पिछले 6 महीने से बीजेपी ने कोशिश की है कि कांग्रेस यहाँ पर राजस्थान में तोड़ी जा सके। तो हमारे साथ सुरेश जी जो जुड़े हुए हैं, सुरेश जी यहाँ पर बीजेपी तो इनकार कर रही है और बार बार बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि अगर बीजेपी कोशिश करती भी है तोड़ने की तो कांग्रेस ही आखिर क्यों टूट जाते हैं, क्यों वो अपने विधायकों को अपने मंत्रियों को संभाल कर नहीं रख पाते, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी उठता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक क्यों टूट जाते, इस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन गुजरात के जहां विधायक को ईडी या सीबीआई तो इनका डंडा पड़े और आप हरिद्वारा को खरीदने के लिए इतना मोटे अमाउंट का ऑफर दें, ये प्रजातंत्र में कभी होता नहीं है, आज तक हुआ भी नहीं है। तो ये बात गुजरात के सामने है, ये बात मध्य प्रदेश के सामने है, ये कर्नाटक के सामने है, कितने प्रदेश गिनाए, गोवा के सामने है, मणिपुर के सामने है, अरुणाचल के सामने है, कितने प्रदेश गिनाए। तो जिस रूप में प्रजातंत्र में हमारी पार्टी ने भी 55 साल राज किया है, लेकिन इस रूप का ऐसे कुकृत्य कभी नहीं किए। जी जी सुरेश जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान में इस वक्त भी सियासी हलचल जारी है। बगावती तेवर की वजह से सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री पद और पार्टी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधायकों के शक्ति प्रदर्शन और उनके साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की और मीडिया से बात की। सचिन पायलट के अलावा मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी हटा दिया गया। सचिन पायलट को पीसीसी पद से हटाए जाने के बाद पायलट गुट के नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। गोपाल सिंह शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार और पार्टी ने बागी नेताओं पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि राजस्थान के रण में क्या अशोक गहलोत की सरकार बचेगी, सचिन पायलट का आगे का क्या प्लान है और सत्ता के असली खिलाड़ियों की असली संख्या क्या वही रहेगी अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो। आपको बता दें कि विधायकों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की और तीनों नेताओं की बर्खास्तगी की जानकारी दी और इसके बाद मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी हाईकमान से किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है।
नहीं है, मजबूर होकर के हमारे तीन साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है तीन महीने से छः महीने से, आप देखते आ बैल मुरे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना, रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है। मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए, आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे, एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सदबुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। पायलट साहब उनके हाथ में कुछ नहीं, वहाँ पर वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। बागी सचिन पायलट ने मीडिया से तो बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसका साफ साफ मतलब है कि उन्होंने परेशान किया जा रहा है लेकिन जीत उन्हीं की होगी। सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम भी हटा दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा और हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800300026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। आपको यहाँ बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर बैठक चल रही है, बैठक में विधायक और मंत्री शामिल हैं। माना जा रहा है कि बैठक में पार्टी और सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़े हुए हैं जयपुर से। संजय जी, तो यहाँ पर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री निवास पर चल रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अब कांग्रेस के लिए आगे राजस्थान में क्या राह आसान हो गई है? क्या गहलोत के सर से तलवार जो थी वो हट गई है या फिर अभी भी मुश्किल बाकी है? देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम बार बार कहते आ रहे हैं, लेकिन खतरा इस रूप में नहीं टला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में एक अंतर्विरोध देखा है, ये सेंस कर लिया है कि पार्टी में कहीं फूट है, तो उस फूट का फायदा उठाने के लिए वो बार बार अब कोशिश करती रहेगी। उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सत्ता है, धन है, तो उसका वो पूरा उपयोग करेगी। हमने देखा कि कल उसने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं या जो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं है लेकिन उनके करीबी बिजनेसमैन हैं,
उनके यहाँ पर छापे मारे। ये छापे की कार्रवाई आज भी चल रही है और जहाँ तक हमें पता है जयपुर में 20, दिल्ली बॉम्बे में 8-8 जगह और कोटा में चल रही है ये कार्रवाई। तो ये प्रयास जारी रहेंगे डराने धमकाने के या साम दाम दंड भेद किसी तरीके से कांग्रेस में टूट को बड़ा किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पे फर्क ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 5-6 विधायकों का फर्क था, यहाँ पे कम से कम 28 विधायकों का फर्क है, इसलिए पार्टी को मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बजाय जो ऑपरेशन लोटस है वो कर्नाटक की तरह चलेगा। कोशिश की जाएगी कि धीमे 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 विधायकों को तोड़ा जाए, दबाव बनाया जाए और फिर आखिर में जब एकदम तैयार हो जाए तब चोट की जाए और सरकार को गिराया जाए। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगे। रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। रामस्वरूप, तो मुख्यमंत्री निवास पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस पूरी मीटिंग को लेकर आ रही है? देखिए, मीटिंग अभी कुछ मिनट पहले ही शुरू हुई है। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद होटल से जो है बस के जरिए मंत्रियों के साथ में ही बस में बैठ करके यहाँ पर आए हैं और कुछ मिनट ही हुए हैं अभी अंदर गए हुए। मीटिंग लगभग शुरू हो चुकी है क्योंकि पहले कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद में बाकी मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। तो मुख्य रूप से मीटिंग में ये बता दूँ कि इस मीटिंग जब शुरुआत होनी थी उससे पहले ही जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया हैं राजू स्वरूप, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इनको उनकी मौजूदगी से लगता है कि कुछ फैसलों पर भी यहाँ पर निर्णय हो सकता है। प्रदेश के हित में जो कोई योजनाएं होंगी तो या फिर और कोई डेवलपमेंट की बात होगी तो उस पर भी चर्चाएं जरूर होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के चिप को इस मीटिंग में शामिल किया गया तो तय है कि कुछ मुद्दों पर भी ज़रूर बात होगी। और बाकी जो मुख्य बातें हैं, जिस तरह का सीनेरियो रहा है आज पिछले 2-3 दिन का, उसको लेकर के भी बातें जो यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से दिन में ये ऐलान हुआ था कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब को और रमेश मीणा और जो विश्वेंद्र सिंह हैं उन तीनों को जब मंत्री पद से हटाया तो उसके बाद में यह भी तय है कि मंत्रिमंडल का उसमें नए मंत्रियों को शामिल भी करना है। हो सकता है पूरा मंत्रिमंडल का नए रूप से वे भी सामने आ जाए और हो सकता है कुछ नए मंत्रियों को वैसे बना दें, लेकिन यह तय है कि अब 5 से 6 जो है नए मंत्री यहाँ पर बनेंगे कुछ ही दिनों में और उसमें निर्दलीय विधायकों में इसमें भी आएंगे और उसमें उसके अलावा जो बसपा से शामिल होकर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनमें भी दो या तीन जो विधायक हैं उनको भी मंत्री पद का अवसर मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि बैठक बड़ी अहम है क्योंकि बैठकों का वैसे तो जो सिनेरियो 2-3 दिन से देख रहे हैं तो उसकी बैठकों का दौर तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और मंत्रिमंडल में भी फेरबदल यहां पे हमको आगे चलकर दिख सकता है। संजय जी, आपसे एक चीज जानना चाहती थी मैं कि सचिन पायलट के पास अब कितने ऑप्शन बचते हैं, उनके पास क्या वो बीजेपी में जाएंगे, क्या वो नई पार्टी लेकर आएंगे, अगर नई पार्टी लेकर आते हैं तो कितना स्कोप राजस्थान में रहता है और अगर बीजेपी में जाते तो वहां पर उनके लिए कितना सुनहरा मौका होगा? ये सवाल मुझसे आपका? जी 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 संजय जी, आपसे मुझे दोहराएंगे क्योंकि बीच में कनेक्शन थोड़ा कट गया था। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि सचिन पायलट के पास अब आगे क्या रास्ता बचता है, कितना उनके पास मौका है, क्या वो नई पार्टी लेकर आएंगे या फिर बीजेपी में जाना पसंद करेंगे और कितना स्कोप दोनों ही जगह पर उनके लिए है? देखिए, ये सचिन के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और उसके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यदि वो बीजेपी में जाते हैं तो विधायक पद खोएंगे और उनके साथ जाने वाले भी विधायक पद खोएंगे। यदि वो अलग पार्टी बनाते हैं तब भी विधायक पद खोएंगे और उनके साथ वाले भी विधायक पद खोएंगे। तो और अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है और उसमें कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है, उसमें यदि सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया तो भी वो अपने विधायक पद खोएंगे। तब सवाल यह है कि सचिन पायलट तो मान लीजिए तैयार होंगे, उनको बड़े नेता हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो विधायक रहे या ना रहे, लेकिन उनके साथ बहुत से लोग पहली बार विधायक बने हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर सचिन पायलट के लिए जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री निवास पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान के मौजूदा हालात को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता ही खड़े कर रहे हैं। जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कल ही ट्वीट कर कहा था कि पार्टी कब जागेगी, जब अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे, जिस पर बीजेपी ने जमकर तंज कसा था। शशि थरूर पर सवाल उठा चुके हैं। अगर हम राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को देखें तो पिछले 4 दिनों से सचिन पायलट दिल्ली में है, कहा जा रहा है कि पार्टी के आलाकमान से उनकी जो बात है वो नहीं हो पाई है।
इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी एडिटर प्रोग्राम से जुड़ गई है नीलू व्यास जी। नीलू व्यास जी, तो जो भी सियासी संग्राम चल रहा है राजस्थान में, उसके बाद अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों केंद्रीय नेतृत्व उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है और क्यों पार्टी के जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, 4 महीने पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ और ठीक 4 महीने बाद आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भी कुछ उसी तरह से स्थिति बन रही है। आज 2-3 मुख्य सवाल हैं। कांग्रेस अगर इस बात को कहती है कि उसकी पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह नहीं है, फैक्शनलिज्म नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। दे हैव प्रूव देमसेल्व्स राइट दैट इट इज़ हैपनिंग। फैक्शनलिज्म इस समय कांग्रेस का एक डीएनए बन चुका है, अगर आप उसको ध्यान से देखें कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि जब 2018 से जब इस जो वॉर लाइक फैक्शंस जो बन गए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इसके बारे में आला कमान को पता था, तो आज बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उन्होंने इस तरीके की सिचुएशन को क्यों अलाउ किया कि वो पनपे। इसका मतलब जहां पर निपिंग इन द बड एक फ्रेज होता है, जहां पर इस चीज़ों को डील करना चाहिए था, वो मैकेनिज्म पार्टी ने इवॉल्व नहीं किया। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, आप देखिए मध्य प्रदेश में भी सिंधिया वर्सेस कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, इधर राजस्थान में इट वॉज गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, अभी महाराष्ट्र में आप देखिए वहाँ पे भी बगावत के सुर शुरू हो गए हैं। मिलिंद देवरा आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मिलिंद देवरा वर्सेज संजय निरूपम। लेकिन अब इस समय जो पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है मैं कहूँगी वो ये है कि जो भी कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, आप वहाँ पर फैक्शनलिज्म को निपिंग इन द बड करिए, जहां पर फैक्शनलिज्म और रिजेंटमेंट यंग वर्सेस सीनियर लीडर्स के बीच में है, उनको उनका ड्यू दे पार्टी, वो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। और इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कैसे एड्रेस करेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक क्लियर लीडरशिप वैक्यूम जो नजर आ रहा है वो इस समय कांग्रेस पार्टी के सामने बिल्कुल खड़ा है। जी नीलू जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी लेना चाहूंगी कि सचिन पायलट का जाना कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए। आई थिंक इट्स फॉर ऑल टू सी, अगर सचिन पायलट पार्टी में नहीं रहते हैं, सचिन पायलट वो फेस था जो 2018 में जिसने कांग्रेस को एक भारी जीत दिलाई थी, जिसके बाद अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया। उस समय अगर आप विजुअल्स ध्यान करें और जिस तरीके से सचिन पायलट के चेहरे को प्रेजेंट किया था पार्टी ने कि ही इज अ लीडर विद अ ग्रास रूट कनेक्ट, सबसे वो ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, एक यंग नेता है, उभरता हुआ चेहरा है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने उनको जो ड्यू हो सकता था वो भी दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सचिन पायलट चाहते थे कांग्रेस शायद उसे एड्रेस करने में कहीं ना कहीं भूल हुई या चूक हुई, और बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, तो ये कहना कि एक बड़ी मिस नहीं होगी वो कांग्रेस की, ये कहना भूल होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक यंग डायनामिक चेहरा था सचिन पायलट। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी आई शुड नॉट मिंस द वर्ड्स दैट इट इज़ अ बिग लॉस फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड इट इज़ टाइम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन कि कांग्रेस को अब अपने आप में मंथन करना चाहिए कि वो ऐसे यंग और डायनामिक फेसेस को ना जाने दे। जी शुक्रिया नीलू जी इस पूरे इनसाइट के लिए। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।